गुड मॉर्निंग दोस्तों, ट्रेड फेयर की सेकंड पार्ट वीडियो में आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो ट्रेड फेयर की फर्स्ट पार्ट वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके ज़रूर देखें। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ट्रेड फेयर के रिलेटेड जितनी भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन प्रेस जरूर करें, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं ट्रेड फेयर की। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो उसके लिए मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। अभी हम आ चुके हैं कर्नाटक के हॉल के अंदर, जहाँ पर कर्नाटक का कल्चर, कर्नाटक की मूर्तियाँ, कर्नाटक में लकड़ी की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, आर्ट, कल्चर और वहाँ का, वहाँ के कपड़े, पहनावा, सब कुछ देखने को मिलेगा। चलो दोस्तों, चलते हैं कर्नाटक के हॉल के अंदर। और अभी हम कर्नाटक के हॉल के बाद इस वीडियो को अंत तक जब आप देखोगे तो 29 स्टेट आप देख चुके होंगे। आपको ट्रेड फेयर में अगर आप किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, इन दोनों वीडियो को देखिए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपका पूरा ट्रेड फेयर घूमने का सपना पूरा हो जाएगा। और जैसे ही आपको टाइम मिले तो जाने से पहले आप ये वीडियो देखिए, तो आपको घूमने में बहुत अच्छा आनंद आएगा, मज़ा आएगा। आप देख पाओगे कि कौन सी चीज़ कहाँ है और सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो अभी हम हैं कर्नाटक के हॉल के अंदर, जहाँ पर कर्नाटक की बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले कर्नाटक के हॉल के अंदर आप जाओगे तो विशाल एलिफेंट की मूर्ति लगी हुई है। अगर आप इस मूर्ति को ख़रीदना भी चाहते हैं तो 3 लाख रुपए की इस मूर्ति की कीमत है। दोस्तों, अभी आ चुके हैं कर्नाटक के अंदर और अभी हम चलते हैं कर्नाटक में। लकड़ी का बना हुआ बहुत सुंदर सुंदर सामान, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़ा, लेदर शूज, लेदर का बहुत आइटम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। ज्वेलरी, कर्नाटक की जो फेमस ज्वेलरी है वो अगरबत्तियाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ के शूज, लेदर का आइटम। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर आपको तस्वीरें मिलेंगी, एक से एक तस्वीर देखने के लिए मिलेंगी। आर्ट और कल्चर साउथ इंडियन का, बेंगलोर का जो फेमस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक से एक तस्वीरें, भगवान गणेश की तस्वीर देख सकते हैं आप, कितनी विशाल और कितनी सुंदर हैं, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। और अभी हम आ चुके हैं छत्तीसगढ़ हॉल के बाहर। जो छत्तीसगढ़ का फेमस लोक नृत्य है, लोकगीत है, वहाँ पर जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं छत्तीसगढ़ में, आप वो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आओगे तो ये कल्चरल प्रोग्राम छत्तीसगढ़ का चलता हुआ आपको मिलेगा और आपको बहुत ही सुंदर प्रोग्राम देखने को मिलेगा। तो आप आइए, कर्नाटक से बाहर निकलते ही छत्तीसगढ़ वाले हॉल में जैसे ही आप जाओगे तो आप ये प्रोग्राम ज़रूर देख सकते हैं यहाँ पर आकर। चलो दोस्तों, चलते हैं छत्तीसगढ़ हॉल के अंदर। और हॉल के अंदर एंट्री लेते ही आप देखोगे यहाँ पर भैंस, बकरी और छोटे छोटे पशुपालन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। और यहाँ पर मुर्गी बच्चे देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, बिल्कुल गांव जैसा माहौल यहाँ पर बनाया हुआ है। और देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर चारागाह, हमारा गोठान, बकरी पालन, ये सब पशुपालन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कपड़ों की कारीगरी है, बहुत ही सुंदर तरीके से हाथ से डिज़ाइन की जा रही है। दोस्तों, साड़ियों पर हाथ से वर्क किया जाता है जो देखने में बहुत ही सुंदर होता है। छत्तीसगढ़ के बाद अब हम आ चुके हैं चंडीगढ़ पवेलियन में।
छत्तीसगढ़ के तुरंत बाद आपको बाहर निकलते ही मिलेगा चंडीगढ़ पवेलियन। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और चंडीगढ़ में जाते ही आपको हरियाणा और पंजाब दोनों के कल्चर की झलक देखने को मिलेगी। हरियाणा और पंजाब में जो चीज़ें फेमस हैं, वहाँ की मशीनरी, कृषि, पशुपालन और बहुत सारी एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। चलो दोस्तों, अभी हम चंडीगढ़ से बाहर जैसे ही निकलते हैं तो सबसे सुंदर भारत का ताज कहा जाने वाला जम्मू एंड कश्मीर का हॉल आपको देखने को मिलेगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर का हॉल इतना सुंदर, इतनी कारीगरी, कपड़ों की कारीगरी, जम्मू एंड कश्मीर की फेमस चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ का कल्चरल प्रोग्राम, जो पहाड़ी संगीत होता है, कश्मीरी संगीत होता है, वो भी आपको सुनने को मिलेगा। चलो अभी देखते हैं, यहाँ पर ये फिरन है और यहाँ पे अंगीठी मिलेगी आपको देखने के लिए और श्रीनगर की बहुत सुंदर तस्वीरें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे ही आप इस हॉल के अंदर आओगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वाकई में जम्मू एंड कश्मीर इतना सुंदर क्यों है वहाँ पर इतने। चलो अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पर ये चाय और कहवा जो होता है जम्मू एंड कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का पहनावा, कपड़े, जम्मू कश्मीर का कल्चर, डोगरी कल्चर, कश्मीरी कल्चर, कश्मीरी सॉल यहाँ के बहुत फेमस हैं। और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या फेमस है। चलो दोस्तों, अब थोड़ा सा कश्मीरी कल्चर जो आजकल मूव हो रहा है, लेटेस्ट जो लोग पसंद करते हैं, उसकी तरफ आप वो देख सकते हैं। फिर एक बार पंजाब में देखिए भंगड़े की धूम, और भंगड़े पे हमारे पाजी देखो कैसा डांस कर रहे हैं। वो कहते हैं ढोल जहाँ भी बज जाए पंजाबियों का पैर दुखता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा भंगड़ा हो रहा है। तो पंजाब के तुरंत बाद अब हम आ चुके हैं दिल्ली, अपनी प्यारी दिल्ली, और दिल्ली को देख सकते हैं। दिल्ली का हॉल है बहुत सुंदर सजाया गया है, लेकिन एक ही दिक्कत है कि दिल्ली के हॉल में नेटवर्क नहीं आ रहा है। दोस्तों दिल्ली घूमने के बाद अब हम आ चुके हैं हरियाणा, जिसको कहते हैं खुशहाल हरियाणा। कहते हैं दूध दही का खाना, ऐसा है हमारा हरियाणा। यहाँ पर हरियाणवी नृत्य, हरियाणवी म्यूजिक, डीजे, जैसे देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी कॉलम रखी हुई हैं, ये बिकने के लिए रखी हुई हैं, और बहुत सुंदर म्यूजिक बजाया जाता है। उसके बाद हम लोग सामने देख सकते हैं उत्तरांचल भी है, जहाँ पर बद्रीनाथ का एक बहुत बड़ी बद्रीनाथ भगवान की बहुत बड़ी एक तस्वीर रखी हुई है, और उसको उत्तरांचल में हम लोग देख सकते हैं, हरियाणा में देख सकते हैं। यहाँ पे
ताऊ का स्टेचू है, लोग यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं। उसके तुरंत बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि एक रथ रखा हुआ है, उसमें कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें, मनमोहक तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके तुरंत बाद हम देखेंगे इस हरियाणा में देवर भाभी का डांस प्रोग्राम, जो बहुत ही सुंदर डांस प्रोग्राम है देवर भाभी का, जिन्होंने बहुत ही मज़ा मान लिया है। दोस्तों ये रथ है जो ऐसा बनाया हुआ है, जिसे कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, उसकी तरह ये एक रथ बनाया हुआ है जो घूम रहा है। हरियाणा घूमने के बाद हम सबसे सुंदर स्टेट केरला में आएंगे। दोस्तों केरल साउथ इंडिया का एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर स्टेट है। चलो देखते हैं दोस्तों केरला में और क्या क्या है देखने के लिए। सबसे अच्छा तो केरला में जैसे आप एंट्री लोगे तो उसका देखना, बाहर से जो दरवाज़ा गेट जो बनाया हुआ है बहुत सुंदर है। और यहाँ पे ये लोग बहुत बारीकी से नाव बना रहे हैं पानी में तैरने वाले, जिसे बच्चे या बड़े अपने घर में ले जाकर सजा सकते हैं। कोई ढोलक बजा रहा है, कोई नाव बना रहा है, कोई छोटी छोटी आकृतियाँ बना रहा है, जो देखने में बहुत सुंदर लगेगी। तो आप यहाँ से इनको खरीद के अपने घर पर भी रख सकते हैं और यहाँ का केरल का कल्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साउथ इंडियन की बहुत अच्छी चीज़ें आप केरल में देख सकते हैं, जैसे सामने देख रहे हो कितनी अच्छी तस्वीर रखी हुई है। और ये कोई देवी है शायद, मैंने नाम नहीं पढ़ा। अब यहाँ पर कोकोनट ऑयल भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ पर ग्रीन ट्री पर बहुत अच्छा ध्यान दिया हुआ है और ये देख सकते हैं सुंदर तस्वीरें हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और दोस्तों भारत घूमने की ट्रेवलिंग ब्लॉग्स रिलेटेड आप जो भी वीडियो देखना चाहें आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मथुरा, वृंदावन, दिल्ली दर्शन, धार्मिक, कांवड़ यात्रा, हरिद्वार, बहुत सारी जगहों की वीडियो आप देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। और अब हम देखते हैं आगे और क्या क्या इस वीडियो के अंदर बचा हुआ है। केरल घूमने के बाद दोस्तों जैसे ही हम बाहर निकल रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हॉल है पश्चिमी बंगाल का, माँ दुर्गा की बहुत विशाल मूर्ति आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। और पश्चिमी बंगाल में जो भी मछली पालन होता है या बहुत सारी चीज़ें जो फेमस हैं वहाँ की, वो सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर सबसे बड़ी तस्वीर है ये दुर्गा माँ की तस्वीर है। पश्चिमी बंगाल का फेमस फेस्टिवल है दुर्गा पूजा और दुर्गा माता की तस्वीर है दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता, और आप इसे हॉल में देख सकते हैं। चलो और देखते हैं इस हॉल में और देखने के लिए सुंदर चीज़ें क्या हैं, क्या कल्चर है यहाँ का और क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं, क्या खरीद सकते हैं। बंगाल की एक पूरी झांकी आप इस हॉल के अंदर आकर देख सकते हैं।